नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आप में से दोस्तों कुछ लोगों ने 5G टैबलेट्स बाय कर लिए हैं, कुछ अच्छी टैबलेट्स 5G वाली आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बाय कर लिए है उनके साथ एक समस्या देखने को मिल रही है कि उनकी टैबलेट में जियो का 5G वर्क नहीं कर रहा। ऐसा मैंने कुछ कमेंट्स में भी सुना और कुछ लोगों से भी यहाँ पर सुना कि उनकी टैबलेट में जियो 5G के नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे आएंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे आप जियो 5G कोई भी टैबलेट हो आपके पास 5G वाली, चाहे तो रियलमी पैड एक्स हो, चाहे यहाँ पर लिनोवो टैब M10 5G हो, या फिर कोई और टैबलेट हो, यहाँ पर जियो 5G चलाने के लिए कुछ आपको स्टेप्स करने होंगे अपनी टैबलेट में, बहुत सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों आप कैसे जियो 5G यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने टैबलेट में जियो 5G को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपको सेम स्टेप्स अपनी टैबलेट में करने हैं। मैं आपको अपने मोबाइल फोन में दिखा रहा हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और डेफिनेटली आपकी टैबलेट में जियो 5G वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में आएंगे नीचे की साइड यहाँ पर आपको वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा होगा, मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो भी आप स्लॉट में अपना जियो का सिम रखे हुए हैं उस स्लॉट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा सिम 1 में पड़ा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ोन में डाटा रोमिंग को ऑन कर देना है अगर ये ऑफ हो रखा है, या फिर अपनी टैबलेट में। उसके बाद आपको अपनी टैबलेट में क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे जाना है और दोस्तों देखिएगा कि ये 5G पर सिलेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इसको 5G पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप इन दोनों काम को कर लेंगे उसके बाद आपको वापस आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पर और अपने जो टैबलेट है वहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप क्रोम में ओपन करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है जियो वेलकम ऑफर। जैसे आप जियो वेलकम ऑफर पर यहाँ पर सर्च कर लेंगे गूगल पर, यहाँ पर आपको जो सबसे पहला लिंक दिखाई देगा एक्सपीरियंस लार्जेस्ट 5G नेटवर्क का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको इस टाइप से कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जियो आपकी डिवाइस की कंपेटेबिलिटी चेक करेगा कि आपकी जो डिवाइस है यानी कि आपकी टैबलेट है वो 5G को सपोर्ट भी करती है नहीं करती। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चेक डिवाइस कंपेटेबिलिटी पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना जियो का नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप अपने जियो का नंबर डालेंगे यहाँ पर दोस्तों एक OTP रिसीव होगा और ये आपका OTP जल्दी आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। OTP रिसीव होने के बाद दोस्तों आपको एक प्रोसेस और करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं OTP डालूंगा दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये देखिए मेरे डिवाइस को चेक कर रहा है और अभी यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपकी डिवाइस 5G के साथ यानी कि कंपेटेबल है या नहीं है। दोस्तों जैसे कि लिखा आ गया मेरी टैबलेट एक तरह से फ़ोन के लिए कि मेरा OnePlus 11R फ़ोन प्रॉपर 5G को सपोर्ट करता है, ऐसी आपकी टैबलेट को भी जियो चेक कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसके बाद आपको आ जाना है नीचे की साइड। इसके बाद दोस्तों जो भी आपकी सिटी है उस सिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली कर लेता हूँ। यहाँ पर दिल्ली करने के बाद मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर जो भी एरिया है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ना चाहे तो मतलब इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इतना नेसेसरी नहीं है, जियो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद आपको सो इंटरेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सो इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अभी मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फोन में ऑलरेडी 5G एक्टिव है, वो भी अनलिमिटेड 5G डाटा आपको जियो के ऊपर देखने को मिलता है 149 के रिचार्ज में ही, तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक बार और जनरेट OTP पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद OTP डाल दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि जियो आपके नंबर को, उसके बाद दोस्तों जियो वहाँ पर चेक करेगा आपके फोन में कि प्रॉपर 5G का सपोर्ट है, आपके एरिया में नेटवर्क्स वगैरह है नहीं है। उसके बाद आपको आपके एक तरह से जो फोन नंबर है वहां पर जियो वेलकम ऑफर एक्टिवेट कर देगा, अगर आपके जो फोन नंबर है वहां पर कोई भी एक वैलिड 4G रिचार्ज होगा तो। तो इस टाइप से दोस्तों ये काम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपको वेट करना होगा अप्रोक्स 12 घंटे का। 12 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों आपके जो ऊपर जो नेटवर्क्स आते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली 5G दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे ITG सुप करके इंस्टाग्राम पर आईडी है वहाँ पर एक तरह से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा से कि नहीं आ रहा है। एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी नेट मॉन्स्टर कर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, परमिशन सारी की सारी दे देनी है इसको। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टैबलेट है उसमें हमेशा जियो 5G का ही सिग्नल रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि 5G तो दिखाता रहता है लेकिन कॉल्स वगैरह नहीं लगती, तो अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार 5G के सिग्नल जाते रहते हैं वीक सिग्नल्स की वजह से, तो आप चाहते हैं कि आपकी टैबलेट 5G पर ही ऑपरेट करती रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर इस ऐप में आ जाना है।
जैसे कि मेरे दोस्त सिम दिखा रहा है, मैं यहाँ से तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा और फोन इन्फो में जाऊंगा। फोन इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो ये यहाँ पर NR LTE GSM लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको NR ओनली सेलेक्ट कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि 5G पर ही रहे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो 5G 4G सब जब अपने आप स्विच करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5G भी रहे तो NR करके यहाँ पर रन पिंग टेस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपका जो फ़ोन है या फिर टैबलेट है 5G पर चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं वापस से नॉर्मल करना तो सेम स्टेप्स कर लीजिएगा, NR LTE वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये दोस्तों मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई, ये फिलहाल मत करिएगा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। कुछ लोग चाहते हैं, उनको दिक्कत आती है तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी जियो 5G ना चलने की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।